Dear students, today we have another topic of fourth unit, that is anti-social behavior, crime and delinquency. तो आज हमें ये देखना है कि anti-social behavior क्या है, crime delinquency कैसे इसके अंतर्गत आता है, कि characteristics क्या हैं और causes क्या हैं, साथ ही साथ मैं इसके आपके prevention और cure के भी जो है कुछ तरीके हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखें कि एंटी सोशल बिहेवियर कहते हैं किसे। एंटी सोशल बिहेवियर कोई भी बिहेवियर जो है वो वर्बली हो चाहे फिजिकली हो, वो किसी व्यक्ति, एनिमल, जानवर या फिर किसी प्रॉपर्टी को हार्म करने कर रहा हो, उसको नुकसान पहुंचा रहा हो, ठीक है। और साथ ही साथ जो आपका इन्वायरमेंट है उसकी जो सोशल एक्सपेक्टेशन है उसके वो अनुरूप न हो, उसका वायलेशन कर रहा हो, तो वो एंटी सोशल बिहेवियर के अंतर्गत आता है। तो कोई भी व्यवहार, चाहे वो वर्बल हो चाहे फिजिकल हो, जो दूसरे व्यक्ति के लिए, किसी जानवर के लिए या किसी प्रॉपर्टी के लिए नुकसानदेह हो, ठीक है। साथ ही साथ वह किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जो सामाजिक प्रत्याशा है, सोशल एक्सपेक्टेशन है, उसका जो है वायलेशन कर रहा, तब हम उसको एंटी सोशल बिहेवियर की कैटेगरी में रखते हैं। एपीए जबकि जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है जिसमें डीएसएम हम लोग कहते हैं, उसमें एंटी सोशल बिहेवियर को एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है, और उसी तरह जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO है उसका भी एक इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज है जिसको कहते हैं ICD। ICD में एंटी सोशल बिहेवियर को दिस सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहते हैं, ठीक है। तो ये इसके जो एग्जिस्टिंग क्लासिफिकेशन है उसमें अलग अलग इसके नाम है। एंटी सोशल बिहेवियर एक बहुत कॉमन नाम है, इसमें हम लोग EPA के टर्म में देखें तो वो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, और WHO के टर्म में देखें ये दिस सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। इस तरह के जो एंटी सोशल बिहेवियर्स हैं ये बच्चों या एडोलसेंट में भी इनकी पहचान अलग अलग समस्याओं के साथ, जैसे कंडक्ट प्रॉब्लम है, कंडक्ट डिसऑर्डर है, या अपोजिशनल डिफियन डिसऑर्डर्स है, इस सब के साथ जिसको DSM-5 में रखा गया है, ठीक है। तो ये एंटी सोशल बिहेवियर जो है वो एडल्ट्स में भी पाए जाते हैं और बच्चों में पाए जाते हैं। अब एंटी सोशल बिहेवियर की अगर हम टाइपोलॉजी देखते हैं तो टाइपोलॉजी कैसे डेवलप होती है उसको देखें। पहला जो डिस्टिंक्शन है वो इस आधार पर है कि कोई व्यवहार या कोई एक्ट ओवर्ट है या कवर्ड है। ओवर्ट मतलब जो दिखता है, कवर्ड मतलब जो दिखता नहीं। दूसरा जो डिस्टिंक्शन है वो इस पर आधारित है कि वेदर द बिहेवियर इज डिस्ट्रक्टिव आर नॉन डिस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव मतलब डायरेक्टली हार्मफुल, डायरेक्टली हार्मफुल मतलब किसी को मारना, पीटना, सामान उठा के पटक देना, और नॉन डिस्ट्रक्टिव का मतलब, ठीक है, किसी को गाली देना, किसी का सामान चोरी कर लेना। अब इन दोनों के आधार पर चार प्रकार के एंटी सोशल बिहेवियर होते हैं, ओवर्ट, कवर्ड, डिस्ट्रक्टिव और नॉन डिस्ट्रक्टिव। तो ये 2x2 आपका कंटेजेंसी बनेगा और चार व्यवहार इसमें हो जाएंगे, चार प्रकार के। तो जैसे पहला जो है जो टाइपोलॉजी है वो है क्या है, डिस्ट्रक्टिव ओवर्ट बिहेवियर, ठीक है। उसी तरह डिस्ट्रक्टिव जो है कवर्ड बिहेवियर,
नॉन डिस्ट्रक्टिव ओवर्ट बिहेवियर और नॉन डिस्ट्रक्टिव कवर्ट बिहेवियर, चार व्यवहार हो गए। तो डिस्ट्रक्टिव ओवर्ट बिहेवियर में क्या आएगा, जैसे फिजिकल या वर्बल एग्रेशन, ठीक है, किसी को जैसे अब्यूज करना, गाली देना, मारना पीटना, बुलिंग, फाइटिंग, थ्रेटनिंग, ठीक है, किसी के ऊपर थूक देना, क्रुएलिटी, ठीक है, उसी तरह से रिजेक्ट करना किसी चीज को, डायरेक्टली मना करना, अवॉइड करना, ये सब सारी चीजें डिस्ट्रक्टिव है ओवर्ट बिहेवियर में। ओवर्ट मतलब दिख रहा है जो व्यवहार, ठीक है। अब दूसरा इसमें है जो नॉन डिस्ट्रक्टिव ओवर्ट एक्ट। नॉन डिस्ट्रक्टिव ओवर्ट के क्या है, ओवर्ट तो है पर वो डिस्ट्रक्टिव नहीं है, जैसे आर्गुइंग, बहस करना बिना मतलब का, स्टबर्नेस, जिद्दीपन, बैड टेम्पर, किसी से बात करने में आप जो है टेम्पर लूज होना। तीसरा जो टाइपोलॉजी है वो क्या है, डिस्ट्रक्टिव कवर्ड एक्ट। डिस्ट्रक्टिव कवर्ड एक्ट क्या है, मतलब डिस्ट्रक्टिव है लेकिन दिख नहीं रहा है, जैसे किसी का सामान चुरा लेना, किसी को धोखा देना, लाइन, झूठ बोलना, डिस्ट्रॉइंग प्रॉपर्टी। उसी तरह नॉन डिस्ट्रक्टिव कवर्ड एक्ट आता है। नॉन डिस्ट्रक्टिव में क्या है और कवर्ड भी है, जैसे सबस्टेंस अब्यूज है, वल्गर लैंग्वेज का यूज करना, ठीक है, ये सब सारी चीजें एक तरह से नॉन डिस्ट्रक्टिव कवर्ड एक्ट। तो अगर हम इस टाइपोलॉजी में लिस्ट टू मोस्ट हार्म के कंडीशन में देखें तो ओवर्ट डिस्ट्रक्टिव एक्ट जो होता है वो मोस्ट सीवियर है, और उसके बाद कवर्ड डिस्ट्रक्टिव है, फिर कवर्ड नॉन डिस्ट्रक्टिव, सॉरी ओवर्ट नॉन डिस्ट्रक्टिव, और सबसे जो लेस सीरियस होता है वो है नॉन डिस्ट्रक्टिव कवर्ड एक्ट, जिसमें प्रोनसी है, एब्सेंट सबस्टेंस यूज है, स्वेयरिंग है, ये सब सारी चीजें हैं। तो अभी तो आपने समझा कि ये एंटी सोशल बिहेवियर क्या है। अब क्राइम और डेलिक्वेंसी को समझते हैं। क्राइम क्या है, क्राइम एक ऐसा इलीगल या अनवांटेड एक्शन है जो एक व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा हो, जिसके लिए उसे जो एग्जिस्टिंग रूल है, जो हमारा नियम है, कानून है, उसके तहत उसको सजा मिल सकती है, उसको जेल भेजा जा सकता है, इसको हम लोग क्राइम कहते हैं। जैसे फेडरल लॉ है, आपने आईसीपी चलती है, इंडियन पिनल कोड, आईपीसी, आईपीसी के अलग अलग धाराएं हैं जिसके तहत आपको आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। क्राइम और डेलिक्वेंसी, डेलिक्वेंसी क्या है, डेलिक्वेंसी इज आल्सो अ काइंड ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर, बट दैट इज स्पेशली कैरिड आउट बाय जुवेनाइल। वही व्यवहार जो क्राइम है, अगर एक बच्चा, मतलब 18 साल से कम उम्र का बच्चा करता है तो उसको हम लोग डेलिक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। तो क्राइम और डेलिक्वेंसी में जो बेसिक डिफरेंस है वो केवल एज का है। उसी एक्ट के लिए एक एडल्ट को दूसरे तरह की सजा मिलती है और एक बच्चे को दूसरे तरह की सजा मिलती है, ठीक है। इसीलिए जो है, जब बॉर्डर लाइन पर क्रिमिनल्स होते हैं तो उनको जो है क्या बोलते हैं कि वयस्क नहीं हुआ ये साबित करने में पूरा ध्यान लगाते हैं, ठीक है। अगर बहुत रेयर एक्सीडेंट भी है, रेयर क्राइम भी है, उसमें उनको फांसी की सजा दें,
जैसा कि आपने निर्भया केस में देखा था, ये क्राइम और डेलिक्वेंसी का बेसिक डिफरेंस है। ठीक है, तो जो व्यवहार, जो एक्ट एडल्ट करता है, जिसको हम लोग क्रिमिनल एक्ट कहते हैं, क्राइम कहते हैं, सिमिलर बिहेवियर इज परफॉर्म बाय द एडोलसेंट, जो वयस्क नहीं है, अगर वो करता है तो उसको हम लोग डेलिक्वेंसी कहते हैं। यानी कि जो हमारे सोसाइटी के स्टैंडर्ड के अनुरूप नहीं हो, जो हमारा लीगल सिस्टम है उसके अनुरूप उसका व्यवहार नहीं। ठीक है, क्राइम और डेलिक्वेंसी में कोई बिहेवियर के टर्म में डिफरेंस नहीं है, टेक्निकल डिफरेंस यही है एज का, और कोई चीज नहीं। एक मर्डर एक 20 साल 25 साल का व्यक्ति करता है तो क्राइम में आएगा, वही मर्डर 15 साल 12 साल का बच्चा करता है तो वो डेलिक्वेंसी में आता है। बस सेम चीज है, डिफरेंस क्या है, एज का। ठीक है, इसीलिए आजकल इसको लेकर बहस चल रही है कि जब संज्ञानात्मक विकास उसका हो जा रहा है 6 7 साल में, वो सोचने समझने लायक हो जा रहा है, तो 17 साल 18 साल में का व्यक्ति, अगर बच्चा जिसको आप कह रहे हैं, अगर कोई अपराध कर रहा है तो वो तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में के श्रेणी में आना चाहिए, उसको भी वैसी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि तो वो तो पूरा ऑर्गेनाइज क्राइम कर रहा है ना। अब 6 महीने जो है उसकी अगर एडल्ट होने में उम्र कम है तो आप उसको सजा नहीं दे रहे, उसको छोड़ दे रहे हैं, उसको जुनाइल जो है जेल में रख रहे हैं, उसको अलग तरह से ट्रीट कर रहे हैं। 6 महीने बाद उसमें ऐसा कौन सा विकास हो जाएगा कि वो जो है समझने लगेगा, फिर वो क्राइम में बन जाएगा। तो एज का ये जो डिफरेंस है वो फिर से रिव्यू की जरूरत है। अभी तो 18 साल का है, 18 साल का अगर नहीं है तो वो क्रिमिनल में नहीं आएगा, वो जुवेनाइल में आएगा। जेंडर डिफरेंस की अगर हम बात करें एंटी सोशल बिहेवियर में, तो ये देखा गया कि बॉयज और या मेल जो होते हैं मैन, वो एंटी सोशल बिहेवियर में गर्ल्स या वुमेन की तुलना में ज्यादा इंगेज होते हैं, और वी में भी डिफरेंस होता है। मेल जो है क्रिमिनल एक्टिविटीज और ओवर डेग्रेशन में ज्यादा एंगेज पाए जाते हैं इन कंपैरिजन टू द फीमेल। फीमेल जो होती हैं वो रिलेशनल जो एग्रेशन होता है, या फिर जिसको आप कहें कि किसी व्यक्ति की रेपुटेशन हार्म करने में, वो ज्यादा एंगेज होती। जैसे किसी के खिलाफ र्यूमर उड़ाना, इस तरह की जो चीजें हैं। हालांकि ये भी क्रिमिनल एक्ट में ही आता है, ये भी एंटी सोशल बिहेवियर में आता है। किसी की इमेज को अगर आप डिस्ट्रॉय करते हैं बाय स्प्रेडिंग द र्यूमर, दैट इज आल्सो एन एक्ट ऑफ एंटी सोशल बिहेवियर। अब हम बात करें कि एंटी सोशल बिहेवियर की प्रिवेलेंस और परसिस्टेंस की, तो ज्यादातर जो मेल हैं वो अपने एडोलसेंट ईयर में एंटी सोशल बिहेवियर में, एंटी सोशल एक्ट में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि एडोलसेंट की एज में ये एक्ट बहुत कॉमन होता है। मैक्सिमम जो मेल पॉपुलेशन है वो कोई ना कोई एंटी सोशल एक्ट अपने इस एडोलसेंट की अवस्था में करता है, इसीलिए इसको जुवेनाइल करके और इनको सीरियस क्राइम में भी बचाने का प्रयास किया जाता है उसी बैकग्राउंड के आधार पर।
और 1/3 जो हमारा परसेंटेज है, मैंने 33% से ज्यादा जो मेल पॉपुलेशन है वो एडोलसेंट में एडिलिक्वेंट बिहेवियर के रूप में देखा जाता है। लेकिन जब एडोलसेंट से आगे बढ़ते हैं मिड 30s में, 20s में, ये व्यवहार धीरे धीरे डिसअपियर हो जाता है। तो मिड 20s के बाद भी एंटी सोशल व्यवहार होते रहते हैं, वो क्राइम के अंतर्गत आते हैं। लेकिन जो मेंटी सोशल बिहेवियर मिड 20s में सीज हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, उनको टेरी और मोफेट ने नाम दिया एडोलसेंट लिमिटेड एंटी सोशल बिहेवियर। यानी कि एंटी सोशल बिहेवियर एडोलसेंट में था और उसके बाद जैसे ही वो 20s में जाता है बच्चा, तो वो व्यवहार उसका धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। अगर हम डायग्नोसिस के सेंस में देखें तो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर और एंटी सोशल बिहेवियर, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो है, सब मैंने भी बताया कि डीएसएम एपीए का जो क्लासिफिकेशन डीएसएम का, उसमें इसको रखा गया है एंटी सोशल बिहेवियर को एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के नाम। तो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो होती है ये तभी डायग्नोस हो सकती है जबकि जो एंटी सोशल बिहेवियर का जो पैटर्न है वो चाइल्डहुड में जो है देखने को मिलता है, या अर्ली टीनेज में, और फिर ये आगे भी स्टेबल रहता है, कंसिस्टेंट रहता है अक्रॉस द टाइम, अक्रॉस द कॉन्टेक्स्ट, अक्रॉस द सिचुएशन। ठीक है, तो जो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की डायग्नोसिस है वो 18 साल से पहले नहीं की जाती। ठीक है, एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की डायग्नोसिस 18 साल से पहले नहीं की जा सकती, उसको हम उसमें नहीं करते थे। अभी जब से मैंने कल बताया था आपको कि जो आपका मेंटल रिटार्डेशन है वो 18 साल से पहले शुरू, अगर उसके बाद होता है तो वो उसमें नहीं कंसिडर होगा। तो एज का डायग्नोसिस के साथ बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है। अब जैसे कोई बच्चा, कोई व्यक्ति फैमिली में एंटी सोशल बिहेवियर प्रदर्शित कर रहा है, लेकिन फ्रेंड्स को वर्कर के साथ जो है वो प्रो सोशल बिहेवियर कर रहा है, तो उसको हम लोग एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के कैटेगरी में नहीं रख सकते, क्योंकि एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर होने के लिए उसके व्यवहार में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, स्टेबल एंड कंसिस्टेंस अक्रॉस द टाइम एंड कॉन्टेक्स्ट। तो घर में बदमाशी कर रहा, बाहर नहीं कर रहा है, या बाहर बदमाशी कर रहा है घर में नहीं कर रहा है, तो वो तुरंत एंटी सोशल बिहेवियर या एंटी सोशल पर्सनालिटी के रूप में नहीं की जा सकती इसको। ठीक है, उसी तरह से अगर कोई कंसिस्टेंटली प्रो सोशल बिहेवियर कर रहा है और किसी स्पेसिफिक लाइफ इवेंट की वजह से अचानक से एंटी सोशल व्यवहार करने लगे, तो वो भी एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के कैटेगरी में नहीं आता है, क्योंकि तो उसके पीछे कारण क्या है कि वो क्रॉस द टाइम स्टेबल नहीं है। तो ध्यान रखने की जरूरत क्या है कि जो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की कैटेगरी में आने के लिए एंटी सोशल एक्ट शुड बी एक स्टेबल अक्रॉस द टाइम एंड सिचुएशन बोथ। लेकिन अगर कोई लॉ ब्रेकिंग बिहेवियर है,
जिसमें व्यक्ति खुद के जिंदगी को या दूसरे की जिंदगी को रिस्क पर रखता है, जिसकी वजह से, तो वो एक बार भी करने में वो क्राइम के अंतर्गत, एंटी सोशल बिहेवियर के अंतर्गत आता है। जैसे रश ड्राइविंग जो होती है, यूज ऑफ ड्रग्स है, किसी से मारपीट, झगड़ा लगड़ाई करना, ठीक है, ये एंटी सोशल बिहेवियर के अंतर्गत आता है। तो जो जुवेनाइल डिलिक्वेंसी है, ये एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर की डायग्नोसिस का कोर एलिमेंट है। अगर कोई बच्चा लॉ के साथ उसको, या कहें कि नियम कानून मानने नहीं मानने वाला हो, ठीक है, अर्ली एज से ही, 15 साल से ही, और बाद में भी ये चीजें उस एडोलसेंट होने पर भी ये बनी रहती हैं, तो उसको हम लोग एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। और ये ऐसी संभावना है कि अगर अर्ली एज में नॉर्मेलिटी है तो ये आगे भी बढ़ सकती है। तो एंटी सोशल बिहेवियर कब एंटी सोशल पर्सनालिटी का रूप लेगी, ये आपको मैंने तमाम उसके उदाहरण दिए। अब हम बात करते हैं कॉज की, एक एंटी सोशल बिहेवियर क्यों होता है, कारण। तो नेचर और नर्चर की कंट्रोवर्सी हमारे यहाँ बहुत पहले से ही है। नेचर जो व्यू है वो कहता है कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो जन्म के समय प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से एंटी सोशल बिहेवियर होता है। जैसे जीन और स्पेसिफिक जो जेनेटिक फैक्टर्स हैं उसमें अगर हम देखें, तो एक स्पेसिफिक जीन होता है जिसको कहते हैं सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर जीन। ये एंटी सोशल बिहेवियर के लिए जिम्मेदार पाया गया है। इसमें ये होता है उनमें एंटी सोशल बिहेवियर ज्यादा देखते हो। दूसरी चीज, जो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है उसका स्ट्रक्चर, प्री फ्रंटल मतलब ये आपका जो सामने का है ब्रेन है, तो जो क्रिमिनल्स का प्री फ्रंटल कार्टेक्स है वो आम आदमी के प्री फ्रंटल कार्टेक्स से उसका स्ट्रक्चर भिन्न हो। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज जेनेटिक के संदर्भ में है वह है इनहेरेंट पर्सनालिटी ट्रेट। जिन व्यक्ति में एंटी सोशल पर्सनालिटी याद होती है, और पर्सनालिटी बहुत हद तक जीन्स के द्वारा निर्धारित, तो ये कुछ ऐसे जेनेटिक फैक्टर्स है। उसके अलावा न्यूरोबायोलॉजिकल रिस्क फैक्टर्स है। न्यूरोबायोलॉजिकल रिस्क फैक्टर क्या है, इसकी वजह से एंटी सोशल बिहेवियर होता है? तो मैटरनल ड्रग्स यूज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, अगर माँ प्रेगनेंसी के दौरान ड्रग्स का इस्तेमाल करती है तो वैसे जो माएँ होती हैं उनके बच्चे एंटी सोशल बिहेवियर में ज़्यादा इंगेज होते। बर्थ कॉम्प्लिकेशन, जन्म के दौरान अगर किसी तरह की कोई कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेशन होती है, वो जैसे मैंने अक्सर मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन लो लेवल का हो गया, उसी तरह से लो बर्थ वेट भी कारण बना है। प्रीनेटल ब्रेन डैमेज, छोटे बच्चों का जो है ब्रेन डैमेज अगर किसी वजह से हो जाए, ट्रॉमेटिक हेड इंजरी या क्रॉनिक इलनेस, ये न्यूरोबायोलॉजिकल रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एंटी सोशल बिहेवियर हो सकता है, या ये व्यवहार, ये कारण है जो एंटी सोशल बिहेवियर को लीड करते हैं। ये तो हम लोग भी बात कर रहे थे नेचर की, यानी कि बायोलॉजी की, जेनेटिक्स। कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं जो हमारे
इस एंटी सोशल बिहेवियर को लीड करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। और उनमें से जो फैमिली सेटिंग से रिलेटेड कुछ हाई रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एंटी सोशल बिहेवियर होता है, जिसमें पहला है पेरेंटल हिस्ट्री ऑफ एंटी सोशल बिहेवियर। अगर पेरेंट्स की, माँ बाप की या फैमिली में ऐसी कोई हिस्ट्री एंटी सोशल बिहेवियर, वो जरूर एंटी सोशल बिहेवियर को बच्चों में भी लीड कर, यदि बाप अपराधी है तो ज्यादा चांस है कि बेटा भी अपराधी ही हो। पेरेंटल एल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज, परिवार में लोग अगर ड्रग्स और एल्कोहल लेते हैं वो भी एंटी सोशल बिहेवियर को लीड करता है। क्योटिक एंड अनस्टेबल होम लाइफ, जो पारिवारिक जीवन है वो बहुत अनस्टेबल हो, बहुत चोस हो, उसमें अस्थिरता हो, वो एंटी सोशल बिहेवियर को लीड करता है। उसी तरह एब्सेंस ऑफ गुड पेरेंटिंग स्किल, अगर पेरेंटिंग स्किल अच्छी नहीं है, किस तरह के पेरेंट्स हैं, डोमिनेटिंग है, लेजर फेयर है, वो भी एंटी सोशल बिहेवियर को लीड करते हैं। बहुत ज्यादा अगर डोमिनेटिंग पेरेंट्स हैं या बहुत ज्यादा एकदम छोड़ दिया है, लेजर फेयर, नो इंटरफेयर, तुमको जो करना है जैसे करना है। यूज ऑफ कोअर्सिव एंड कॉर्पोरल पनिशमेंट, हमेशा बच्चे को भय और दंड देना, ये भी एंटी सोशल व्यवहार को लिखता है। कुछ देर तक वो दंड के प्रभाव में रहता है, लेकिन उसके बाद फिर वो रिवोल्ट करने लगता है। पेरेंटल डिसरप्शन ड्यू टू डिवोर्स, डेथ एंड अदर सेपरेशन, परिवार में इस तरह की स्थिति हो, माँ बाप में डिवोर्स हो गया हो, किसी की डेथ हो गई हो अपनी, या मैरिटल सेपरेशन है, ये सब आजकल बड़ा कॉमन है, क्योंकि तो हमारी समाज में फिल्मों की बड़ी भूमिका है, नाचने गाने वालों को हम लोगों ने सिर पर चढ़ा रखा है, वो रोल मॉडल बन गए हैं। तो वहाँ एक व्यक्ति तीन शादी करता है, चार शादी करता है, वो एक को छोड़ता है, दूसरे को पकड़ता है, दूसरे को छोड़ता है, तीसरे को पकड़ता है। अब ये थोड़ी सोचता है कि वो उसके बच्चे हैं, उनका पालन पोषण कैसे होगा, क्या होगा। ऐसी कंडीशन भी जो होती है वो एंटी सोशल बिहेवियर को लीड करती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा ड्रग्स लेने वाले आपको भी फिल्म इंडस्ट्री में मिलते हैं। अभी बीच में जो प्रकरण आपने देखा होगा इससे रिलेटेड, उसी तरह पेरेंटल साइकाइट्रिक डिसऑर्डर अगर है माँ बाप में से किसी को, खासतौर से अगर माँ को अगर डिप्रेशन है, उसकी वजह से एंटी सोशल बिहेवियर बच्चों में ज्यादा होता है। उसी तरह से इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, जैसे पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, गरीबी और बेरोजगारी भी असामाजिक व्यवहार को लीड करती है। खासतौर से चोरी, डकैती, इस तरह के छिनैती, इस तरह के व्यवहार में पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट की भूमिका है। हालांकि कुछ ऐसी भी केसेस हैं कि बड़े अच्छे घरों के बच्चे भी चोरी करते हैं, पॉकेट मनी के लिए चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए पैसा चाहिए, माँ बाप नहीं देते, उसके लिए चोरी डकैती करते हैं। लेकिन इकोनॉमिकल डिस्ट्रेस का अपना एक रोल है इस इन केसेस के अलावा। तो अगर पेरेंटिंग स्टाइल पर थोड़ा सा मैं जो अभी बात कर रहा था, कि जो है जो चाइल्ड एग्रेशंस हैं वो, उसके प्रति अगर इनएफेक्टिव रिस्पॉन्स है, पुअर कम्युनिकेशन है, वीक फैमिली बॉन्डेज है, या नेग्लेक्ट है, चाइल्ड एब्यूज की जो केस है, ये सब पेरेंटल एक्सपेक्टेशन जो है पेरेंटिंग स्टाइल से या फैमिली से जुड़ा है मैटर, जो एंटी सोशल बिहेवियर को लेकर। चाइल्ड नेग्लेक्ट और चाइल्ड एब्यूज की जो केसेस हैं बहुत कॉमन है, बच्चों के साथ परिवार में भी जो है एब्यूज होता है, ठीक है, खासतौर से जब बड़ी फैमिली होती है, उसकी वजह से भी ये चीजें आती है। उसके बाद कंपेनियन और पीयर रिलेशनशिप, जिसके साथ आप रह रहे हैं, आपके दोस्त मित्र कौन से हैं,
अगर आप पूरी मंडली एंटी सोशल वाली है तो आप भी हो जाएंगे। कई बार पीयर ग्रुप से रिजेक्ट होने की वजह से भी एंटी सोशल बिहेवियर होता है, सोशल आइसोलेशन की वजह से भी एंटी सोशल बिहेवियर होता है। अगला इसमें महत्वपूर्ण कारक है लैक ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का अभाव। आपको पता ही नहीं कि कौन सा एक्ट जो है सही है, कौन सा एक्ट गलत है, की वजह से भी आप एंटी सोशल बिहेवियर कर सकते हैं। और आजकल एक सबसे महत्वपूर्ण जो कारण है वो हैवी एक्सपोजर टू मीडिया वायलेंस। मीडिया में वायलेंस को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, दिखाया जाता है, मारधार वाली फिल्में हैं और गेम है, बीच में एक पबजी करके आया था, तो टेलीविजन है, मूवी है, इंटरनेट है, वीडियो गेम्स हैं, इवन कार्टून कैरेक्टर में भी वायलेंस दिखाया जाता है, तो बच्चे उसको इमिटेट करते हैं, जिसकी वजह से भी ये एंटी सोशल बिहेवियर देखने को मिलता है। बच्चा देख रहा है कि एक क्रिमिनल है, अपना सब कुछ करके भी उसको समाज में बड़ी प्रतिष्ठा मिल रही है, लोग उसका मान सम्मान कर रहे हैं, नियम कानून वो पैसे से खरीद कर जेब में रख ले रहा है, तो लगता है कि यही जिंदगी अच्छी है। ये सब सारी चीजें हम लोग मीडिया के एक्सपोजर के थ्रू दिखा रहे हैं। तो एंटी सोशल जो बिहेवियर है वो खास तौर से जो बड़े लोग हैं जो अक्सर अपने जीवन में इस तरह का काम करते रहते हैं, तो उनका ब्रेन उस तरह से प्रोग्राम हो जाता है, ठीक है, एंटी सोशल एक्ट के लिए। और उनको जैसे ही उपयुक्त वातावरण मिलता है ये एंटी सोशल बिहेवियर ट्रिगर हो जाता है। लगातार अगर आप इस तरह के एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं तो योर ब्रेन हैज बीन प्रोग्राम फॉर सच काइंड ऑफ एक्ट, और जैसे ही आपको उस वातावरण मिलता है आप उस तरह के एक्ट में फिर से इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। जब कोई काम बार बार आप करते रहते हैं तो आपका व्यवहार बिहेवियर जो है आपका ब्रेन परसिमनी के प्रिंसिपल को फॉलो करता है और उसको बहुत जल्दी करता है, से वो हैबिट में एक तरह से आ जाता है। ज्यादातर देखा गया है कि जो एडोलसेंट में इस तरह के एक्ट में इन्वॉल्व होते हैं उनमें इमोशनल और सोशल इमेच्योरिटी देखने को मिलती है, और जैसे जैसे एज के साथ बढ़ते हैं इमोशनल सोशल मेच्योरिटी बढ़ती है तो वो एक्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाए, ठीक है। कई बार मॉडलिंग की वजह से, पीयर ग्रुप प्रेशर की वजह से इस तरह के व्यवहार सीख लेते हैं, लेकिन जैसे ही व्यक्ति में मैच्योरिटी आती है तो वो उस व्यवहार को जो है छोड़ देता है, ठीक है। हेरिटेबिलिटी की भी जो बात है कि खासतौर से अगर देखें जो प्रॉपर्टी रिलेटेड जो क्राइम्स हैं उनका जो जेनेटिक इन्फ्लुएंस है वो वायलेंट क्राइम से ज्यादा होता है, ऐसी स्टडीज बता रहे हैं। अगर हम एंटी सोशल बिहेवियर के प्रिवेंशन की बात करें, रोकथाम की, तो क्या किया जाए जिससे ये एंटी सोशल बिहेवियर हो ही ना। इसमें पेरेंट टीचर कम्युनिकेशन स्कूल में बहुत आवश्यक है, और दूसरी चीज स्कूल में काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए। इसी वजह से आजकल आप देखें तो सीबीएसई के स्कूलों में पहली मान्यता के लिए, अगर स्कूल आपके लिए अब आप अप्लाई कर रहे हैं या स्कूल आप चला रहे हैं तो ये एक जो है क्राइटेरिया है कि आपके पास काउंसलर होना चाहिए, तभी आपको मान्यता मिलेगी या तभी आपका स्कूल रन करेगा। उसी तरह स्कूल बेस्ड प्रोग्राम है तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को जो है होने से बचाते हैं। अर्ली चाइल्डहुड में जो लो रिस्क स्टूडेंट है उनमें रिस्क डेवलप न हो, और इससे कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जो बच्चों का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो सही तरीके से रिजॉल्व होना चाहिए।
इमोशनल लिटरेसी, ठीक है, संवेगों के बारे में ज्ञान, संवेग क्या है, क्यों है, कैसे हैं, कब उसका एक्सप्रेशन होना चाहिए, किस फॉर्म में होना चाहिए। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है एंगर मैनेजमेंट, जो है गुस्से को, क्रोध का प्रबंधन कैसे किया जाए। क्योंकि ज्यादातर जो है एंटी सोशल है इसी एंगर के या एग्रेशन के प्रभाव में होते हैं। जो हायर रिस्क स्टूडेंट है, जो फैमिली या एनवायरमेंटल ऐसी परिस्थितियां हैं जिसकी वजह से उनमें रिस्क ज्यादा है, तो उनके लिए थोड़े इंडिविजुअलाइज प्रिवेंशन प्रोग्राम की आवश्यकता है, ठीक है, जैसे इंडिविजुअल काउंसलिंग, एकेडमिक सपोर्ट, सोशल स्किल ट्रेनिंग, बिहेवियर कॉन्ट्रैक्टिंग, ये सब चीजें हैं। इंडिविजुअल उसको अकेले उसकी केस को समझना होगा, उसको आधार पर उसको काउंसलिंग देनी होगी। एकेडमिक्स में उसको सपोर्ट मिले ताकि वो उसमें अपने आप को इंगेज रख सके। लाइफ स्किल या सोशल स्किल ट्रेनिंग, ठीक है, समाज में कैसे रहना है, कैसे बातचीत करनी है, कैसे बिहेव करना है। और बिहेवियर कॉन्ट्रैक्टिंग, जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, उसी तरह बिहेवियर कॉन्ट्रैक्टिंग भी होती है। कोई पर्टिकुलर बिहेवियर जो आपका है उसको रिइंफोर्समेंट पनिशमेंट के थ्रू कम ज्यादा किया जा सकता है, ठीक है, कि आप अगर अच्छा व्यवहार करते हैं तो आपको पुरस्कार मिलेगा, नहीं करते हैं तो आपको दंड मिलेगा। इसके अलावा कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है, इसमें यूथ सेंटर और रिक्रिएशनल प्रोग्राम्स हैं। जैसे हमारे यहाँ भी कॉलेज में एक शिक्षा के सहयोग से यूथ सेंटर, यूथ फ्रेंडली सेंटर चलाया जा रहा है। तो ये सब सारी चीजें जो है, जो रिस्क चिल्ड्रेन एट रिस्क है, उनको ये कम कर सकते हैं। ये तो ठीक व्यवहार, एंटी सोशल व्यवहार हो ही ना, कैसे उसको रोकथाम किया जाए, बचाया, मतलब होने से रोका जाए। लेकिन अगर हो गया है उसके लिए क्या उपलब्धता है, तो वो है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इसमें कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी क्या होती है कि आपके जो स्कीमा होता है का जो माइंड सेट है, मेंटल सेट है, उसमें चेंज लाने का प्रयास किया जाता है, ठीक है, जो है सेल्फ के बारे में, अदर्स के बारे में, सोसाइटी के बारे में एक सही इमेज प्रस्तुत की जाए। जैसे कि फिल्म में आपने देखा कि एक व्यक्ति लोगों को मारता है, काटता है, क्रिमिनल एक्ट करता है, उसके पास लोग है, पैसा है, वो ऐश की जिंदगी जीता है, जेल में भी जाता है तो बड़ा ऐशो आराम से रहता है। ये एक मिसलीडिंग इमेज है सोसाइटी के बारे में, लोगों के बारे में, दिस इज नॉट द एक्यूरेट इमेज। इसी को स्कीमा कहते हैं, स्कीमा को उसको रिप्लेस करते हैं, ठीक है। फैमिली थेरेपी है, जिसमें फैमिली मेंबर्स के साथ मिलकर जो भी एंटी सोशल बिहेवियर से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट है बच्चे का, उसको रिमूव करने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी जो है काउंसलिंग करके इसको रिड्यूस किया जा सकता है। ये सारे जो चीजें थी मैंने आपको एंटी सोशल बिहेवियर, क्राइम एंड डेलिक्वेंसी के अंतर्गत जो चीजें मुझे बतानी थी मैंने आपको बता दी। अब आपको कोई, आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो आप पूछ सकते हैं। या किसी खास कम्युनिटी में क्या एंटी सोशल बिहेवियर हो सकता है? सर आपके, सर हेलो, एंटी गुड मॉर्निंग सोशल, सर। सर क्या कारण? हेलो सर, सर एंटी हाँ सोशल शिवांग बिहेवियर बोलो। के लिए जो आपने दो कॉजेज बताए, नेचर और नेच्योर, सर इसमें एंटी सोशल बिहेवियर के लिए दोनों होना जरूरी है क्या? किसी एक के उपस्थित होने पर एंटी सोशल बिहेवियर हो सकता है?
हमारे हर चीज के लिए दोनों चीजें होनी चाहिए। पहले तो जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन हो, और दूसरी चीज जो है सही वातावरण मिले। ठीक है, जैसे एक पौधा ओके तुमको मान लो लगाना है, तो बीज की क्वालिटी अच्छी हो और उसके हिसाब से उसको खाद पानी और वातावरण मिले, तभी उस बीज में से जो है अंकुर हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। बहुत अच्छी क्वालिटी का बीज भी रेगिस्तान में ले जाके डाल दोगे या ऐसे पत्थर पर रख दोगे तो वो उसमें से अंकुर होगा। तो दोनों चीजें जरूरी है जीवन में, चाहे अच्छे के लिए चाहे खराब के लिए। ठीक है, तो खराब में भी अगर जीन है ऑलरेडी और वातावरण मिलता है तो तुरंत उसको जो है स्फुटित होता है, उसमें जो है कह सकते हो कि पुलकित पल्लवित होता है। जीन नहीं है, वातावरण कितना भी मिलेगा। कहने का यही मतलब है कि अगर आप आपका IQ एक जो है 120 ना होके खाली 20 है, तो आपको कितना भी ट्रेन टीचर से पढ़वा दे, कितनी भी व्यवस्था करा दे, आप सीख पाएंगे? नहीं सीख सकते। ठीक है, तो बायोलॉजिकल प्रिडिस्पोजिशंस और एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस दोनों मिलकर ही हमारे व्यवहार का निर्धारण करते हैं। मुद्दा ये नहीं है, बस मुद्दा ये है कि कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर रिसर्च चल रही है। ये तो सभी मानते हैं कि दोनों जरूरी है। हेलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर, सर सर जो क्या सैडिस्ट लोग किसी होते हैं खास सर, वो कम सर इसी का स्पेसिफिक केस है या वो टोटली अलग है? क्या अभिषेक क्या पूछ रहे हो? सर जो सैडिस्ट लोग होते हैं सर, जो दूसरों को दुखी देख के खुश होते हैं सर, वो नहीं, इसी का कोई केस है या वो टोटली अलग है सर? वो अलग थे। सैडिस्ट होना और सर एंटी क्या सोशल होना अलग थे। सैडिस्ट पर्सनालिटी होती है, जैसे एंटी सोशल पर्सनालिटी है। चलिए नेक्स्ट। सर क्या किसी खास कम्युनिटी में मतलब एंटी सोशल बिहेवियर क्या ज्यादा हो सकता है, और यदि हो सकता है तो इसके सर कारण क्या हो सकते हैं? कम्युनिटी में हो सकता है कि अगर कम्युनिटी ऐसे व्यवहार को प्रमोट करती है, ठीक है, तो एंटी सोशल बिहेवियर क्यों नहीं हो सकता है? अगर घर में बच्चा कोई लड़ाई करके बाहर से आ रहा है, उसको आप शाबाशी दे रहे हैं, तो अगर कम्युनिटी में इस तरह की जो है नॉर्म्स बने हैं, ठीक है, कि जैसे तुम जीवन की शुरुआत करनी है तो पहले तुमको मर्डर करना होगा, 5 मर्डर करोगे तो तुमको ये उपाधि मिलेगी, 10 मर्डर करोगे तो ये उपाधि मिलेगी, ऐसी कम्युनिटी में क्यों नहीं हो सकता है? और वो व्यवहार सोशल और एंटी सोशल क्या है? नॉर्म्स का एक्सपेक्टेशन है, और कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, कि एक कम्युनिटी में वो व्यवहार जो है नॉर्मल है, दूसरे कम्युनिटी के लिए वो नॉर्मल हो सकता है। ठीक है, तो एंटी सोशल बिहेवियर जैसे आतंकवादी क्या है? आतंकवादी जो अपने कम्युनिटी के लिए काम करता है, भाई भले वो किसी को मारता है, पीटता है, जान ले लेता है, बम ब्लास्ट कर देता है, कुछ भी करता है, लेकिन वो उसकी कम्युनिटी के लिए वो व्यवहार तो नॉर्मल है ना। उसकी कम्युनिटी में वो व्यवहार पोषित होता है, उसको बताया जाता है कि तुम अगर ये काम करते हो तो तुमको जो है स्वर्ग नसीब होगा। ठीक है, ये जो है ये दिस इज द एक्ट ऑफ गॉड, ये भगवान के लिए तुम कर रहे हो, इंसान के लिए थोड़ी कर रहे हो, ये तो मानवता की सेवा कर रहे हो, तो ये तो हो सकता है। तो कम्युनिटी वाइज तो है ही। और दूसरी चीज मैंने अभी बताया कि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी जहां पर है, खासतौर से आप अफ्रीकन कंट्रीज में देखोगे तो वहां के बहुत से ऐसी जो है स्थिति बहुत से कम्युनिटीज में है जो जिसमें ज्यादा एंटी सोशल बिहेवियर है, क्रिमिनल एक्ट ज्यादा होते हैं, तो वो हो सकता है। और उसका कारण यही है कि उसमें उस व्यवहार को प्रमोट किया जाता है। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर क्या कोई क्या रिप्लाई में किया गया एक्ट भी मतलब इसमें आ सकता है एंटी सोशल बिहेवियर में? सर जैसे मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, जैसे आपने कहा ना कि जैसे अगर कोई गाली दे रहा है या मतलब झगड़ालू प्रवृत्ति का है, तो मतलब वो एंटी सोशल बिहेवियर या एंटी सोशल पर्सनैलिटी में आएगा। तो मतलब सर यदि कोई रिप्लाई में ऐसा एक्ट कर रहा है किसी चीज के, तो क्या उसको भी एंटी सोशल बिहेवियर कहेंगे? नहीं, रिप्लाई का क्या मतलब? क्योंकि एक कोई गाली दे रहा है तो हम भी दे रहे हैं, यही नहीं जैसे सर मतलब मान लीजिए कोई जैसे सड़क से जा रहा है और उसका मतलब एक्सीडेंट हो गया हल्का फुल्का, उसमें मतलब गुस्सा आ गया या कुछ इस तरह का एक्ट किया, तो उसको एंटी सोशल एक्ट कहेंगे या मतलब
नॉर्मल है है तो इसके। एंटी सोशल ही है, सोशल थोड़ी हो जाएगा। अगर आप वायलेशन करते हैं नॉर्म्स का, रूल्स का, ठीक है, तो वो तो है तो एंटी सोशल ही, ठीक है। अब उसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पर कितना आता है वो डिपेंड करता है कि आप किसी भी साइंस में, किसी भी परिस्थिति में। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी ने जो है आपको गाली दी तो आप गाली देंगे तभी आप उसको बराबर होंगे। जब एक गलती कर रहा है तो दूसरा भी कर ही ना रहा है, चाहे वो रिप्लाई में कर रहा हो, चाहे जो है प्रोवोक होके कर रहा हो, चाहे जो है इनिशिएटिव लेके कर रहा हो, कर तो रहा ही है ना। वैसा तो है नहीं कि भाई किसी ने एक परिवार को के दो लोगों को मार दिया तो उस परिवार वाला पहले वाले को दो लोगों को मार दिया, तो ये रिप्लाई में किए हैं इसलिए वो एंटी सोशल मर्डर में नहीं है। वो मर्डर जो है रिवेंज में है, वो मतलब मर्डर के एंटर में नहीं है। एक्ट इज एक्ट, ठीक है, वट एवर द सर्कमस्टांसेस। कानून ये नहीं करता है, ठीक है, लॉ यही करता है कि आप अगर रूल का वायलेशन करते हैं, सोसाइटी ये करती है कि नॉर्म्स और एक्सपेक्टेशन का वायलेशन करते हैं, तो दैट इज एंटी सोशल एक्ट। अब आप किस परिस्थिति में कर रहे हैं वो अलग चीज। ओके सर, सर एक्सक्यूज मी सर, सर सर अगर कोई सेल्फ डिफेंस में अगर कोई ऐसा एक्ट करता है तो वो फिर किसमें आएगा? क्या सेल्फ डिफेंस में, वही भी तो बता रहा था, वही चीज, सर वही चीज तो भी बताया मैं। सेल्फ डिफेंस क्या होता है? सेल्फ डिफेंस में सर फिर भी अगर मानिए किसी को अगर लग रहा है कि मुझे मार देगा हम उसको नहीं मारेंगे तो ऐसा करता है तो कोर्ट नहीं, उसको कुछ हद तक राहत दे देती है कि सेल्फ डिफेंस में ये एक्ट किया है। ये प्रूफ भी तो होना चाहिए भाई। यस सर, अगर सेल्फ प्रूफ प्रूफ मिल जाए अगर सही में सेल्फ डिफेंस में किया है तो वो एंटी सोशल में आएगा या नहीं? नहीं है तो एंटी सोशल ही है। कोर्ट आपको बरी थोड़े कर देगी, राहत दे सकती है थोड़ा, ठीक है। आपने मर्डर किया सेल्फ डिफेंस में भी, ठीक है, अगर आपके ऊपर अटैक हुआ है, प्रूफ नहीं होता है, खाली आपने सोच लिया है, तब तो वो थोड़ी ना प्रूफ हो पाएगा। वो थैंक यू सर। किसी भी परिस्थिति में किया गया मर्डर एंटी सोशल ही है, चाहे वो डिफेंस में हो, चाहे सेल्फ डिफेंस में हो, चाहे प्रोवोक्ड हो, चाहे किसी भी कंडीशन में हो जाए, ठीक है, मर्डर इज मर्डर, ठीक है, ओके सर, वो एंटी सोशल है। अब कोर्ट उसको फांसी देती है कि 2-4 साल की सजा देती है कि क्या देती है, वो अलग इशू है, लेकिन एंटी सोशल वो है, ठीक है। सर मेरे सर 3 क्वेश्चन है सर, जैसे कि ऐसा पेडियो जल्दी फाइल्स जो पूछो, होते हैं 11 बजे मेरी मीटिंग है। सर, पेडियो फाइल्स जो होते हैं सर वो भी एंटी सोशल में आते हैं सर? कौन से पेडियो पेडियो फाइल्स जर जो बच्चों के लिए मतलब बच्चों को सर जो शोषण करते हैं सर, वो अलग कैटेगरी होती है, होती सर। हर और चीज की अलग सर कैटेगरी है। सर जो साइकोपैथ होते सर वो भी तो एंटी सोशल में आते हैं सर, एंटी साइकोपैथ सोशल है, साइकोपैथ एंटी सोशल है, ठीक है, उनका लेकिन ट्रीटमेंट होता है कि नहीं सर? एंटी सोशल का क्राइटेरिया ब्रॉड करोगे तो साइकोपैथ का एंटी सोशल, ठीक है, लेकिन साइकोपैथ तो कॉमन शब्द हो गया ना एक, इसीलिए जब साइकोपैथ अगर उसमें होगा तो एंटी सोशल पर्सनालिटी अलग लाने की जरूरत क्या थी। अभी ये चीजें आगे आओगे तो बहुत क्लियर होगा, अलग से पेपर पढ़ाए जाते हैं नॉर्मल साइकोलॉजी के, पैथोलॉजी के। सर ब्राइब जो हम लोग घूस देते हैं, रिश्वत लेते देते हैं सर, वो भी एक एंटी बिल्कुल सोशल एक्टिविटी एंटी है, सोशल, एंटी सोशल लेकिन है। सर उसको सर हम लोग ट्रीटमेंट में सर नहीं यूज कर सकते, ना ही उसका कोई ट्रीटमेंट हो सकता है। कैनी ट्रीटमेंट हो सकता है अगर वो एंटी करप्शन ब्यूरो नहीं होती है, उसमें लोग खड़े नहीं जाते हैं। ये है कि ये चीजें कम प्रचलन में है और उनको सजा नहीं होती है। सर लेकिन ये तो सर सभी मतलब ऐसा देखा जाए तो ये सभी लोगों के अंदर मतलब ये सर ये खूबी है, जैसे कि लेट जाना कहीं पर, अपने काम को डिले करना, ये भी एक एंटी सोशल एक्टिविटी में आता है सर, अपने काम को सब इग्नोर है, करना। जो भी आपसे एक्सपेक्टेशन है अगर उसके खिलाफ आप काम करते हैं तो वो एंटी सोशल है। क्यों? अगर आप लेट जाते हैं तो किसी का नुकसान नहीं हो रहा है उससे, आप अपना भाई मान लीजिए 10 बजे आपका ऑफिस है, कोई आपसे मिलकर काम कराने के लिए 10 बजे आया है, आप नहीं पहुंचे तो उसका तो नुकसान हो रहा है ना, तो है तो उसे एंटी सोशल ही। सर आपने लेकिन एक चीज आजकल बताया वो था कि सिस्टम का सर पार्ट है।
सर एक अगला क्वेश्चन था सर, आपने भी कहा था कि सर एक पैटर्न हमें दिखना चाहिए, मतलब ये नहीं हो कि कुछ मतलब इंसिडेंट कुछ समय पल के लिए वो इंसिडेंट करे फिर बाद में वो नहीं करता हो, मतलब अपने घर में पर्सनालिटी करता के हो, लिए, सही है सर, अपने नहीं एब्यूजिंग सोशल करता हो पर्सनालिटी के लेकिन लिए। बाहर किसी से उसका कुछ रहता नहीं हो इस तरह का। लेकिन सर कुछ ऐसे लोग भी सर सोसाइटी में हमें क्रिमिनल केसेस में देखने को मिले, जैसे कि साइनाइड मोहन सर, जिसने 40 लोग का सर 40 लोगों का जहर देके मार दिया था सर। सर तो उसका सर मतलब जो उस कुछ पर्टिकुलर समय के लिए कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए उसने रॉन्ग बिहेवियर किया था, लेकिन वो सोसाइटी में अच्छे से स्टेबल था सर, अच्छे से बिहेवियर था उसका, तो उस तरह कैटेगरी किस में रखा जाएगा सर उस तरह के लोगों को? एंटी सोशल पर्सनालिटी के लिए कहा जाता है कि देयर शुड बी परसिस्टेंसी अक्रॉस द टाइम एंड सिचुएशन, एंटी सोशल बिहेवियर के लिए नहीं। योर बिहेवियर इज एंटी सोशल, बिहेवियर पर्सनालिटी में तब कन्वर्ट होता है जब एक पैटर्न आता है, ठीक है। पैटर्न पर्सनालिटी का मतलब ही होता है कि रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न ऑफ थॉट फीलिंग एंड एक्शन, ठीक है, पर्सनालिटी का ही मतलब है। तो पैटर्न होना चाहिए पर्सनालिटी के लिए, एंटी सोशल बिहेवियर तो है ही वो, ठीक है। योर एक्ट इज एंटी सोशल, तो एक्ट तो है ही, पर्सनालिटी के लिए मैंने कहा है, तुम ध्यान से देखे नहीं इसको, एंटी सोशल पर्सनालिटी और एंटी सोशल बिहेवियर, बिहेवियर इज एंटी सोशल, बट एंटी सोशल पर्सनालिटी होने के लिए उसमें परसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब जैसे मैंने चार स्वराज की बात की थी कभी, वो क्या है, वो है तो एंटी सोशल ही ना, लेकिन उसकी जो पर्सनालिटी है वो नहीं एंटी सोशल में आती है, वो बाहर कुछ और करता है, आप मिलते हैं तो बहुत प्लेजेंट है, बहुत अच्छे से व्यवहार करता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, पर्सनालिटी के लिए पैटर्न होना चाहिए, बिहेवियर तो है ही। थैंक यू सर। सर तो पर्सनालिटी वालों का सर इलाज भी तो होता होगा सर ना, क्योंकि उसको तो सजा हो गई, वो तो समझ में आता था 40 लोगों का मर्डर, उसको सजा हो गई, लेकिन उन लोगों का इलाज भी होता है कि नहीं सर? इलाज हर चीज का है, पर्सनालिटी एंटी सोशल पर्सनालिटी का भी इलाज होता है। अभी बताया तो क्राइम जो है, दो थेरेपी बताई ना एंटी सोशल बिहेवियर के लिए, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है और फैमिली थेरेपी है, ठीक है। अब इसमें दवा तो कुछ नहीं इस तरह के दी जाती है, लेकिन काउंसलिंग दी जा सकती है। चलिए ठीक थैंक यू सर। है, और कोई क्वेश्चन? सर बस यही नहीं समझा सर, जो मतलब जो पढ़े लिखे तबके के लोग उन लोगों का सर ट्रीटमेंट करना तो मुश्किल सबसे ज्यादा होता होगा सर ना, इस जो एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते होंगे इस तरह की जो पर्सनैलिटी और बिहेवियर रखते होंगे। जैसे एक डॉक्टर का भी नाम आता है सर, उसने सर 40 40 ऑटो ड्राइवर का मर्डर किया था सर, कार चोरी करके सर, तो सर वो भी एक एंटी सोशल बिहेवियर प्लस उसका पर्सनैलिटी भी सर हो गया था सर, वो धीरे धीरे वो मतलब उस एक्टिविटी के दौरान। वो तो है, वो तो साइकोपैथ जो कह रहे थे ना, वो तो वही कैटेगरी है, साइकोपैथ की कैटेगरी होती है, क्योंकि वो उस एक्ट से जो है वो एंजॉय करते हैं उसको, ठीक है, वो अलग चीज हो जाती है। ओके सर, और थैंक यू सर। पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, क्या करना है उससे, पर ट्रीटमेंट तो होगा ही ना, चाहे जो भी हो प्रॉब्लम, चाहे जो उसका हो, पढ़ा लिखा आदमी जल्दी समझ भी जाएगा ना। नहीं, इंडिविजुअलाइज थेरेपी उसको बोलते हैं, अभी उसके नीड के अनुसार ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है उसका, ठीक है। तो काउंसलिंग के लिए सबसे पहले उसके पूरा हिस्ट्री ली जाती है, बैकग्राउंड, फैमिली डेटा क्या है, कब है, कैसे रहा है, कितना पढ़ा लिखा है, लाइफ में क्या चैलेंजेस पाए, फेस किए हैं, बहुत कुछ देखा जाता है, ठीक है। फिर तुम लोग बीए फर्स्ट ईयर में हो ना, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, एमए प्रीवियस फाइनल, पीएचडी करोगे तब जो है, या कोई इस तरह का स्पेशल कोर्स करोगे तब काउंसलिंग थेरेपी देने लायक बनोगे ना। वो ट्रेनिंग का भी, अभी आप बहुत इनिशियल फेज में, अभी आप समझिए कि चीजें क्या है, ठीक है, यानी कि अभी आप क ख ग घ पढ़ रहे हैं, ABCD, ठीक है, साइकोलॉजी का ABCD में पढ़ा रहे होंगे आपको। चलिए ठीक है, और कोई प्रश्न? थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर।
ओके, थैंक यू ऑल फॉर टुडेज क्लास, वी विल